Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to start with BA 4th semester political science for Punjab University Chandigarh student. जैसे मेरे को बड़े सारे कमेंट आ रहे थे कि 4th semester की political science शुरू करी जाए. मैंने सोचा तो शुरू करने का पहले ही था, पर मुझे जैसे टाइम मिला तो मैंने आज से सोचा कि मैं स्टार्ट कर दूं. देखो, जो मैं आपको शुरू करने जा रही हूँ political science, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं. पहले तो जैसे मैं आपसे बुक से पढ़ा देती थी, पर कुछ आइडिया देने के लिए कि आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करो, क्या चीज़ें रेलेवेंट लिखनी होती है, क्या चीज़ें नहीं आपने लिखनी है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, ये मैं आज आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगी. ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जब मैंने अपनी बीए करी थी, तो मैं आपको ये बता रही हूँ. तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको आएगा ही आएगा, नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया, कि पार्टी सिस्टम इंडिया का किस तरीके से है. यूनिट वन का आप बुक से पढ़ सकते हैं. जैसे मैं आपको बुक्स के नेम बताऊं, ये आपके बुक्स हैं, ओपी गाबा बुक जो एडवांस लेवल पे पढ़ना चाहते हैं, जेएस बडियाल इज बेस्ट बुक, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए जेएस बडियाल आपकी बेस्ट बुक है. यहाँ तक कि जो लॉ के स्टूडेंट है वो भी जेएस बडियाल लेकर ही अपने पॉलिटिकल साइंस का पेपर देते हैं. तो जेएस बडियाल में कंसाइस है, प्रिसाइस है, लिख रखा है. उसके बाद अगर आपको कोई रीसेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो आप विकिपीडिया से पढ़ सकते हैं. उसके बाद मैं आपको सेकंड इसमें सजेशन देना चाहूँगी, आपका जो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है वो है पार्टी सिस्टम के ऊपर है सारा, पॉलिटिकल पार्टीज पे. इसलिए यहाँ सेकंड हैंड आप बुक ना परचेज करना, क्योंकि जो आपका मैनिफेस्टो हो गया, पर्टिकुलर आपके इलेक्शंस हो गए, वो आपके न्यू आपने देखने हैं. पुराने अगर आप देखोगे तो क्या इलेक्शन रहा, सिस्टम जो है ये डायनेमिक कंसेप्ट है, ये एकदम चेंज हो जाता है. तो आपने क्या करना है, फोर्थ सेमेस्टर या कोई वैसे आप से अगर फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, सेमेस्टर के थर्ड के, मैं कभी नहीं आपको कहूँगी आप सेकंड हैंड बुक ना परचेज करो जेएस बडियाल की. आप कर सकते हो, पर फोर्थ सेमेस्टर में, क्योंकि पार्टी सिस्टम आ गया है, पार्टी सिस्टम में इलेक्शन, वो आपसे पूछेगा 14th लोकसभा, शिरोमणि अकाली दल का क्या मैनिफेस्टो है, बीजेपी का क्या था 15 लोकसभा में मैनिफेस्टो. तो आपको रीसेंट पता करने के लिए आपको न्यू एडिशन की बुक ही परचेज करनी है. जो आपका नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम है ये तो आपका सेम ही रहेगा. तो इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बना के आपको समझा रही हूँ कि आपने किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए, आप दूसरे क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करो. सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे. इंट्रोडक्शन के अंदर आप सबसे पहले बताओगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है. वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन बन गई, एसोसिएशंस बन गई, और एक ग्रुप बन जाता है इंडिविजुअल का, जो शेयर क्या करते हैं, सेम पॉलिटिकल व्यूज को, और पॉलिटिकल पावर में आने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ये रिएक्शनरी पार्टीज होती है. फिर आप इसमें थोड़ा थोड़ा क्या बता सकते हो, 3 types ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये आप इंट्रोडक्शन में ही डाल सकते हो. रिएक्शनरी पार्टीज होगी, लिबरल पार्टीज होगी, ठीक है, कांग्रेस, बीजेपी है. जैसे आप जब तक एग्जामिनर को बताओगे नहीं कि आप रिसेंट के बारे में जानते हो, तो आप दूसरे बच्चों ज़्यादा मार्क्स कैसे लेके आ सकोगे. तो आपने रिसेंट सिनेरियो डालना है, पॉलिटिकल सिस्टम का क्या चल रहा है, कौन सी नेशनल पार्टीज बनी है 2021-22 में, कौन सी नहीं बनी, किसका क्या स्लोगन था. देखो आप आगे आगे देखते रहना, ये आपने बता दिया. फिर आप बताओ 3 kinds ऑफ पार्टी सिस्टम होते हैं. 1 party system, 1, ये देखो आपसे पूछा नहीं है ना, टाइप्स पूछे ना काइंड पूछे, ये आप खुद लिख रहे हो ये बताने के लिए एग्जामिनर को, आपको ये पता. और मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे 90+ आपको स्कोर देगी पॉलिटिकल साइंस में, लिटरे थ्योरी के पेपर में. किस तरीके से आप 90+ ले सकते हो, बिकॉज द क्रिएटिविटी, बिकॉज द कॉन्टेंट यू आर गिविंग. पॉलिटिकल साइंस का टीचर, आपका रिसर्च स्कॉलर आपका पेपर चेक कर रहा है, या आप अगर फोर्थ सेमेस्टर में हो तो आपका वो टीचर चेक कर रहा है जो ऑलरेडी पीएचडी कर चुका है. पीएचडी करे हुए टीचर को अगर रीसेंट आप दिखाओगे, उस वो सोचेगा उसको तो थीसिस मिल रहा है एक क्वेश्चन के अंदर, वो इतना खुश हो जाएगा, इतना आपसे वो हो जाएगा, वो आपको पूरा मार्क्स दे देगा. ये चीज़ होती है टेक्निक. उसके बाद देखो क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम थोड़ा सा आपने बताया. सीधा फिर आप आ जाओगे, ज़रूरत क्यों है पॉलिटिकल पार्टीज़ की. पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि इंडिया एक ह्यूज डाइवर्सिटी है.
फिर आप ये चीज़ तो ज़रूर लिखोगे इंडिया में क्या है मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये आप चीज़ ना लिखो अगर रिप्रेजेंटेटिव एक्ट टू, ये इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने पेपर भी टाइमली कंप्लीट करना है। उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेके आऊँगी, पॉलिटिकल साइंस का पेपर 18 नंबर का कितने मार्क्स कितने पेजेस में और कितने टाइम में आपका कंप्लीट होने चाहिए। जब मैथ थी तो मेरे मैम कहते थे मुझे कि 35 मिनट से ज़्यादा आपने एक क्वेश्चन में नहीं देना है, तो मैंने इसे ऐसी स्कीम लगा के देखा भी करके भी कि 35 मिनट्स में या होता है क्वेश्चन या ज़्यादा से 40 मिनट। मेरी मैम कहते थे 35 मिनट सफिशिएंट है, 18 नंबर का एक क्वेश्चन करने के चार क्वेश्चन करने होते हैं क्योंकि 180 मिनट मिलते हैं, उसके बाद दो दो नंबर वाले होते हैं। कि इस तरीके से आपने ऐसे पेपर अटैम्प्ट करना, अपना टाइम भी देखना है, उसके तरीके से ही करना है। उसके बाद देखो नेसेसिटी क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, आपने थोड़ा सा बता देना है दो तीन लाइनों में कि इसलिए ज़रूरत है कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है या दो पार्टी सिस्टम नहीं है कि आप बीजेपी और कांग्रेस। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब कि बड़ी सारी पार्टियां, आप पार्टी भी है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, अकाली दल भी आ गए, ठीक है, ममता बनर्जी की पार्टी भी आ गई, साइकिल वाली पार्टी आ गई, पता कितनी कितनी पार्टीज है। तो यहाँ क्या डाइवर्सिटी है, आप लद्दाख साइड जाओगे तो उनके इश्यूज अलग हैं, उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, उनके लिए अलग पार्टी सिस्टम चल रहा है वहाँ। आप इधर जम्मू साइड आओगे तो यहाँ अलग पार्टी सिस्टम चल रहा था, महबूबा मुफ्ती का पीओडी जो भी पार्टी का नाम था वो चल रहा था। नॉर्थ ईस्ट आओगे तो वहाँ की अलग सिस्टम अलग चल रहा है। नीचे जब आओगे आप तमिलनाडु की साइड, कर्नाटका की साइड, तो आपके ये साउथ सीट लग जाते हैं, तो इनके अलग इश्यूज हैं। गोवा अलग है, तो इनकी पार्टियां भी अलग अलग बनती जा रही है। कुछ नेशनल पार्टीज हैं जो पर्टिकुलर जीत, जैसे कांग्रेस बीजेपी, नेशनल पार्टी बनने का क्या क्रिटीरिया, ये आपसे दो नंबर में ज़रूर पूछा जाता है, हमेशा ही पूछा जाता है ये, ठीक है। तो आपको क्रिटीरिया भी पता होना चाहिए। उसके बाद देखो डेफिनेशन जो आपको अच्छी लगती है, ये स्पेस इसलिए छोड़ा गया है कि जो जो आपको डेफिनेशन, कोई दो या कोई एक डेफिनेशन, सेल्फ सफिशिएंट है, इंट्रोडक्शन ऐसी लिखोगे, नेसेसिटी लिखोगे, आप टीचर हो चुके हैं पूरी तरीके से इम्प्रेस आपसे। अब आपके पॉइंट पॉइंट आप लिखोगे और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लाइन्स आप इंट्रोड्यूस करोगे। अब आ गया नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम, ये मैंने ऑलरेडी इम्पोर्टेंट लाइन्स इसमें लिख रखी है, जब भी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ आप समझ भी सको कि मैंने क्या चीज़ इसमें ऐड करी। इतने बड़े पॉइंट में से 5-6 लाइनें लेनी, आप खुद देख सकते हो बुक से, आप पढ़ोगे और इससे पढ़ोगे कि मैं, मेरे को बनाने में इतना टाइम लगा, ये एग्जांपल मैंने ढूंढे हैं नेट से स्पेशल। पहले मैं बुक से नोट्स बनाती थी, एक दो बुक से, उसके बाद एग्जांपल मैं विकिपीडिया से ढूंढती थी या ऑनलाइन न्यूज़ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड चल रही थी वो ढूंढ ढूंढ के मैं आंसर में डालती थी, तभी आपको 90+ मिलेंगे मार्क्स। वरना आप एक जैसा आंसर लिख के आओगे जे एस बडियाल का, तो पूरे पंजाब में 178-154 कॉलेजेस हैं, 154 कॉलेज में से 800 बच्चा है, 800 बच्चे में से 100 बच्चे के पास पॉलिटिकल साइंस है, कितने हो गए 15,000 से ऊपर का बच्चा पॉलिटिकल साइंस का पेपर लिख रहा है यूनिवर्सिटी का, 90+ किसी 10-12 बच्चों को मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, कॉन्टेंट का आइडिया अलग है, कॉन्टेंट चाहे वही हो, ये इसलिए मिल रहे हैं। सेम किताब से लिख रहे हैं पर किस तरीके से मॉडिफाई करके लिख रहे हैं उससे मिल रहे हैं। ये नहीं कि आप डायग्राम भर रहे हो, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है पेपर में, डायग्राम स्पेसिफिकली मना करते हैं, ये फर्स्ट सेकंड ईयर तक बनाओ आप, ये फोर्थ सेमेस्टर आ गया, आप सीनियर मोस्ट क्लासेस में गिने जा रहे हो, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, डायग्राम क्यों नहीं बनाने हैं आपने, शीट को कंज्यूम करते हैं, हमारे पर कंटेंट इतना होता, हम डायग्राम बनाएंगे लिखेगा तभी। मैं आपने देखोगे मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए एंड करते हुए डायग्राम नहीं बनाए, जस्ट अंडरलाइन करें हैं पॉइंट्स को, ठीक है, क्योंकि ये साइंस केमिस्ट्री का पेपर नहीं है कि आप बॉक्स बना बना के डायग्राम दिखाओ, उसमें टाइम वेस्ट होगा, टीचर वहाँ पढ़ने के लिए बैठा। आप ये सोचो जो आपका एग्ज़ाम चेक कर रहा है वो स्कॉलर चेक कर रहा है पीएचडी का, उसने अपने थीसिस में डायग्राम बनाए होंगे तो सिर्फ पेज भर रहा होगा वो, तो हमने उसके अकॉर्डिंग पेपर देखना है कि वो किस तरीके से पढ़ता होगा, वो किस तरीके से चाहता है, हम उसका आइडिया लेके लिखेंगे तो वो इम्प्रेस होएगा। और मान के चलो कोई कॉलेज स्टूडेंट पेपर आपका चेक नहीं करता, आपका पेपर हमेशा कौन चेक करता है, सीनियर मोस्ट टीचर्स, तो आप उनके अकॉर्डिंग लिखो पेपर में। एट प्रेजेंट देर आर 7 पॉलिटिकल नेशनल, मल्टी पार्टी सिस्टम आया तो हमने ये दिखाना है कितनी मल्टी पार्टी सिस्टम है,
नेशनल पार्टी, 7 नेशनल पार्टीज है, नाम बता दो सारा हो जाएगा, जैसे लेफ्टिस्ट राइटिस्ट ये सब कुछ। वन पार्टी डोमिनेंस, सेकंड पॉइंट, एक पार्टी का डोमिनेंस चल रहा था, जैसे कांग्रेस का चल रहा था आज़ादी के बाद से लेके 2002 तक, 4 तक कांग्रेस का ही चले जा रहा था, तो ये वन पार्टी का डोमिनेंस होता है। ये पॉइंट, लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी भी होती है कई पार्टियों में, आप ये पॉइंट नोट कर सकते हो, मैं ऊपर से थोड़ा थोड़ा आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर मेन क्या है, बाकी ये आपके पास ही है जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी मतलब कईयों की आइडियोलॉजी डिफरेंट हो जाती है, इसलिए पार्टी चेंज, CPI बन गया, CPIM कौन सी बनी, वो कम्युनिस्ट पार्टी की थी आइडियोलॉजी, एक मार्क्सिस्ट बन गई, ये लेफ्ट पार्टीज होती हैं, जैसे आपको पता होगा लेफ्ट हो गए, राइट हो गए, सेंटर्स हो गए, BJP राइटिस्ट पार्टीज बन गए, लेफ्ट वाले की अलग आइडियोलॉजी है, तो इनकी क्लियर आइडियोलॉजी की वजह से ही होता है ये। पर्सनैलिटी कल्ट होता है, जैसे हम मोदी के नाम पे वोट डल जाती हैं, खड़ा कोई और होता है इलेक्शन में आपके एरिया से, पर कहते हैं कि BJP क्यों नहीं जी मोदी को वोट दो, मोदी थोड़ी आपके सोसाइटी में आके MLA का इलेक्शन करेगा, MLA बनेगा, पर नाम पर्सनैलिटी कल्ट मतलब जिसकी पर्सनैलिटी पे वोट डल रही है। मोदी BJP का एक चेहरा है जो प्रधानमंत्री है, पर प्रधानमंत्री के नाम से आप छोटे छोटे कस्बों में, विलेजेस में, सिटीज में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भी कह रहे हैं कि जी मोदी को वोट देना, मोदी तो नहीं आएगा आपके इलेक्शन में यहाँ करने कुछ, पर उसके नाम से वोट डालते हैं, ये होता है पर्सनैलिटी कल्ट। बाकी आप इसे पढ़ सकते हो, मैंने क्रिप्स कर रखे हैं नोट्स को, और आप ये भी लिख सकते हो ठीक है, एमर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टीज, रीजनल पार्टीज अपने अपने रीजन्स की प्रॉब्लम्स को दिखाते दिखाते रीजनल पार्टीज बन जाती हैं, जैसे आप होगी ठीक है, शिरोमणि अकाली दल बन जाती है कि अपनी अपनी छोटी छोटी पार्टियां बन जाती हैं रीजनल, जैसे AIDMK तमिलनाडु की होगी, JDU बिहार की रीजनल पार्टीज होगी ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जम्मू कश्मीर की, उस टाइम के जब मैंने जैसे 2016-17 की बात है, जबकि ये हैं ये नोट्स 16 के, 2004 में जैसे लोग जनरल इलेक्शन हुए, UPA ने गवर्नमेंट बनाई, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कर दिया विद रीजनल पार्टीज के साथ, इन रीजनल पार्टीज के साथ जुड़ के रीजनल पार्टीज मेनली स्टेट की पार्टीज होती हैं, जो नेशनल पार्टीज नहीं होती है, छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, पर ये अपनी बहुमत दे के सरकार में बनाने में हेल्प करती हैं। ये फैक्शंस एंड डिफेक्शंस मतलब कि डिफेक्शन लो, जैसे आपने पढ़ा होगा पार्टी तोड़ के किसी और के साथ जुड़ जाना, उसको अपनी वोट दे देना, आधे MLA छोड़ के चले गए, जैसे आपके अभी महाराष्ट्र में करा है, महाराष्ट्र के अगर आपने पॉलिटिक्स देखी होगी, अभी इलेक्शंस हो रखे थे जो जो ये उद्धव ठाकरे की सरकार घेरी है, शिंदे ने एंड डिफेक्शन ही तो करा है, जीते इनके नाम से इलेक्शन, वोट इन्हें दली ठाकरे की गवर्नमेंट को, पर इन्होंने अपने MLA इकट्ठे करके अपनी नवी सरकार बना ली, तो ये क्या होता है फैक्शन डिफेक्शंस। उसके बाद क्या होता है लैक ऑफ इफेक्टिव ऑपोजिशन, कभी कभी क्या होता है इफेक्टिव ऑपोजिशन ही नहीं होता, ऑपोजिशन मतलब जैसे एक तो रूलिंग पार्टी होगी जैसे BJP चल रही है, सेकेंड पार्टी ऑपोजिशन में जैसे कि जिसकी लार्जेस्ट वोट है, मान ले कि कहने की बात है कि जैसे कांग्रेस है बड़ी पार्टी थी वैसे पार, उसके पास 4-5% वोट भी नहीं आई लोकसभा में, पर कहने की बात है कि ऑपोजिशन में है, एक इफेक्टिव ऑपोजिशन का लैक है इंडिया के अंदर, पार्टी सिस्टम है जैसे कि जैसे आप कांग्रेस है क्या कर रहा है, वो अपनी रैलियां ही करे जा रहा है, देश के मुद्दों पे क्या चर्चा हो रही है आप ये देखो ना, कितना दिखा रहे हैं, कितना आगे लोग बढ़ के आ रहे, बस ये कह रहे हैं जो कर रहा मोदी सही कर रहा, कोई है ऑपोजिशन में जो एक एक पॉइंट आउट कर रहा उसकी एक एक बात को, ओपोजिशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, अब दिखाते ही नहीं ओपोजिशन को न्यूज़ वाले, हमें नहीं पता लग रहा, हमें लग रहा जो कर रहा सही कर रहा, ओपोजिशन जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होएगी तब तक हमें कमियां नहीं, जैसे कहते हैं ना एग्ज़ाम आप कर रहे हो जब तक आपकी नोटबुक ही नहीं चेक होगी आपको क्या पता लगेगा कि आपने क्या सही करा क्या गलत करा, तो उसी तरीके से ओपोजिशन ना टीचर का रोल निभा रहा है रूलिंग पार्टी के लिए, पर जहां टीचर ही वीक है, जहां ओपोजिशन ही वीक है, वहाँ आप किस तरीके से बता सकते हो कि देश क्या डेवलप कर रहा है, हमें क्या पता, हम तो कह रहे हैं इंडिया आगे बढ़ रहा है, वो तो जो जिनको कमी महसूस हो रही उन्हें पता है इंडिया कितने आगे बढ़ रहा है, तो इसी के लिए। उसके बाद 8th में कॉम्युनल करेक्टर और पॉलिटिकल पार्टीज, कई पार्टीज हैं कॉम्युनल, उसमें रिलीजन के बेस पर वोट ले रही हैं,
कई पार्टी आती है कास्ट के वोट नाम पे वोट ले, जैसे कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हिंदू के नाम पे वोट ले रहे हैं, कई मुस्लिम के नाम पे वोट ले रहे हैं। तो इस तरीके से कॉमनल करेक्टर होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। कास्ट करेक्टर है, जैसे कि BSP दलित पे फोकस करती है, समाजवादी पार्टी यादव राज पे फोकस करती है। ये मैंने बिल्कुल क्रिप्स कर रखे हैं आपको, वरना आप पूरे पूरे पॉइंट पढ़ते तो आपको समझ ना आता, ठीक है। जैसे कहते हैं जाट की वोट जाट को, तो ये कास्ट करेक्टर लेके आ रहे हैं, पंजाब इज फॉर पंजाबीज रीजन वाइज लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से कॉम्युनल करेक्टर दे रहे हैं। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज में भी डेमोक्रेसी की कमी है। कैसे डेमोक्रेसी, मतलब हम इलेक्ट कर सकते हैं इतना, आप ये देख सकते हो 15-20 लोग हैं एक पॉलिटिकल पार्टीज में, किसको दे रहे आगे आने का मौका? किसी को नहीं दे रहे। जो कह दिया सोनिया गांधी ने इसको अध्यक्ष बना देंगे, इसको अध्यक्ष बना दिया, पार्टी से पूछा जा रहा है कौन है लायक अध्यक्ष बनने के? क्या BJP की पार्टी से पूछा जा रहा है किसे हमें देना चाहिए ये सीट यहाँ से इलेक्शन लड़ने के लिए? जो जिसके फेवर में हो, जैसे चलता आ रहा है जो जिसको फेवर करता है उसको मिल जाते हैं। इस तरीके से चल रहा है कि डेमोक्रेसी की बात है ही नहीं पॉलिटिकल पार्टीज में। उसका लैक ऑफ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, लीडर्स अच्छे नहीं है, एक्टिव मेंबर्स अच्छे नहीं। हम कहते हैं कांग्रेस को क्यों हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि लीडर एक ऐसा लीडर चाहिए जो पार्टी को चला सके। कांग्रेस के क्यों नहीं आ पा रहे वोट, क्योंकि उनके पास जो है प्रॉपर एक लीडरशिप है नहीं। वो एक डायरेक्शन में ही चले जाते हैं, फिर उन्हें उस डायरेक्शन से वापस आने में इतना टाइम लग जाता है उनको। जैसे BJP वालों ने अमित शाह बिठा रखा है, राजनाथ बिठा रखा है, गडकरी बिठा रखा है कि कुछ भी होता है यहाँ से आप प्रोपोगंडा यहाँ से मिल जाएगा, इधर से इधर से। उनको एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ, BJP की अगर बात करी जाए, आप पार्टी की भी थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, आप पार्टी भी अच्छा कर रही है उनकी भी ऑर्गेनाइजेशन है, पर कांग्रेस वालों की कहाँ ऑर्गेनाइजेशन है? यहाँ जैसे पंजाब में चन्नी जो भी बने थे मुख्यमंत्री, उनको वहाँ से कोई आदेश आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है दिल्ली से प्रियंका गांधी से, उनके लिए वही चीज़ सही हो जाती है विदाउट अप्लाइंग देयर माइंड। तो ये चीज़ अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, ठीक है। लीड एक डायरेक्शन में जाने के बाद दूसरे डायरेक्शन में आने भूल ही जाते हैं, ये चीज़ होती है। जैसे अभी एग्जांपल दे, आवाज़ पंजाब पार्टी बनी थी, उसका कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। उसके बाद कहते हैं ग्रुपिज्म विद इन द पार्टीज, पार्टीज के अंदर ही ग्रुपिज्म बना रहे हैं, गुट बनाने शुरू कर देते हैं, उससे नहीं मिल बात जब ही, तो फिर पार्टियां टूटती हैं। क्यों टूटी ठाकरे की पार्टी? वो एक ही को फेवर कर जा रहा था, संजय राउत हो गया, शिंदे को पूछ नहीं रहे, तो वो कहते हैं ग्रुपिज्म पार्टी। उन्होंने क्या करा, 4 MLA इकट्ठे और लिए, 15-20 लिए, अपनी नवी पार्टी बना दी, लो सिंबल भी इनका लेके जा रहे थे। तो ये होता है, ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए पार्टीज के अंदर। उसके बाद क्या है, इलेक्टोरल अलायंसेज एंड कोलिजन गवर्नमेंट, जैसे आपका होता है अलायंस कर लेते हैं, मिल साथ में गुट बना के पार्टी बनाते हैं, दो पार्टियों ने अलायंस कर लिया, RJD ने कर लिया, कांग्रेस ने कर लिया, मुख्यमंत्री बना लिया। हरियाणा में क्या करा, चौटाला के पोते को ले लिया, उसकी पार्टी को ले लिया, BJP वालों ने ले लिया, लो जी बना दिया, अलायंस गवर्नमेंट हो जाती है यहाँ। पॉपुलिस्ट एंड स्लोगनिस्ट नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, स्लोगन एक पॉपुलर स्लोगन दे के अब की बार मोदी सरकार, ये पॉपुलर स्लोगन है, जहाँ जो मर्जी हो अब की बार मोदी सरकार। मोदी क्या हर एरिया में अवेलेबल हो सकता है? नहीं, पर उसका स्लोगन अवेलेबल हो सकता है। ऐसा पॉपुलर स्लोगन बना दिया कि यहाँ BJP की वोट जलेगी, मोदी को वोट डालनी है, अब की ऐसे ऐसे स्लोगन बना देते हैं। ये क्या होते हैं, पॉपुलिस्ट और स्लोगन बन जाते हैं वोट को ग्रैप्स करने के लिए। ये भी पार्टी सिस्टम का मेन रोल प्ले करते हैं, जैसे कहते हैं ब्रांडिंग कर देना। उसके बाद देखो क्या, देखो मैंने आपको बिल्कुल छोटा छोटा बताया ताकि आप एग्जैक्ट लिख सको अपनी लैंग्वेज में, किसी भी तरीके से आपको आ जाए। और एक एग्जाम्पल तो आपने ज़रूर देना है, बिना एग्जाम्पल के एग्जामिनर को इंटरेस्ट नहीं आएगा क्वेश्चन पढ़ने में। पहली यूनिट होगी, पहला क्वेश्चन होगा, यही अच्छा हो जाएगा तो दूसरी तीसरी यूनिट में तो आपको ग्रेस मिलेगा, देखना आगे दूसरा भी अच्छा हो गया तो फिर मत सोच लो। जैसे कहते हैं ना बैट्समैन का हाथ खुल गया, वो वाली बात होती है, 2 नंबर वाले सही कर दो, पहला यूनिट सही कर दो, टीचर का हाथ खुल चुका है, अब
छोटी मोटी गलती होगी तो माफ कर देगा टीचर। पहले में ही आपने कीड़े मकोड़े बनाना शुरू कर दिए, पहले में ही आपने क्लियर करा पहले क्वेश्चन में, फिर तो उसका वही मेन आइडिया माइंडसेट बन जाएगा। तो आपने जैसे बैट्समैन को करते हैं ना हाथ खोलने के लिए थोड़ा वार्म अप, अच्छा बॉल्स आनी चाहिए, उस तरीके से टीचर के मार्क्स लेने के लिए, टीचर से मार्क्स लेने के लिए तो आपको ये दिखाना पड़ेगा। उसके लैक ऑफ डिसिप्लिन अमंग मेंबर्स ऑफ, वही डिसिप्लिन की कमी होती है। फिर क्या, यूज ऑफ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू गेट पावर। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स यूज करते हैं, ईवीएम मशीन हैक कर ली, सोच लो शराब की बोतलें बांट रहे हैं एक इलेक्शन से एक रात पहले, टेंट लगा के पार्टियां दे रहे हैं ग्राउंड के अंदर, ठीक है, अचानक से फोन बांटने शुरू कर दिए किसी समारोह में, ठीक है, ये क्या चल रहा है, ये हो रहा है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। बाइकें बांटना शुरू कर दी रैलियों के लिए, पॉलिटिकल फंड के नाम से पैसा लेके सरकार के फंड से, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये नहीं लिखा कि आपने एक रात पहले शराब बांटनी है वहाँ इलाकों में जाके, जाके जहाँ की पॉपुलेशन थोड़ी गरीब है और जो वोट पॉपुलेशन जिसका ज़्यादा है वो ये कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम है हमारे इंडिया में, पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी होना बहुत जरूरी है। कैसे, ओल्ड पार्टीज और पुरानी पार्टीज बन रही हैं वो 60 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएंगी। कौन सा एक्ट क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जो मैंने आपको पहले बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इन 1988 में आया था, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो गया पार्टीज की विद इन 60 दिन। ओल्ड पार्टीज जो थी और न्यू पार्टीज जो अभी नवी बन रही हैं वो 30 डेज के अंदर, एंड जो कमीशन है उन्हें फिर सिंबल अलॉट करता है, जो वो सिंबल लेके जाते हैं उन्हें अलॉट कर देता है कि उनका रिजेम्बलेंस ना हो दूसरे किन की तरह, पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स की तरह। उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द बेस ऑफ रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन के बेस पे टाइप कितनी, नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी बनने का देखो क्राइटेरिया बता रहेगा, 4 से ज़्यादा राज्यों में, 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में सरकार होनी चाहिए, 6% वैलिड वोट्स मिलनी चाहिए, वैलिड वोट मतलब कि सही वोट है, खराब नहीं कि जैसे पेज मुड़ गया खराब होगी, वैलिड वोटें मिलनी चाहिए 4 or more state में 6%। इलेक्शन जनरल इलेक्शन हो रहे हैं लोकसभा के अगर, और स्टेट लेजिस्लेटिव के अगर इलेक्शन हो रहे हैं, अगर स्टेट विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं तो 4 सीटें मिलनी चाहिए लोकसभा की, देनी चाहिए यहाँ के, और 4 सीटें दे लोकसभा को फ्रॉम एनी स्टेट से, और एटलीस्ट 2% सीट जीते लोकसभा के अंदर, मतलब कि 11 सीटें, जैसे आपको पता है 545 सीट्स हैं, 550 हैं, उसके 2% 11 सीटें जीते फ्रॉम एटलीस्ट 3 different states से। अगर कोई पार्टी ये कर देती है तो वो क्या बन जाती है, आपकी नेशनल पार्टी बन जाती है। ये आपको फोकस करना है, इजी लैंग्वेज में लिख रखा है। स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या करना है, आपने 6% वैलिड वोट जीतनी है स्टेट इलेक्शन में या लोकसभा में, 2 सीटें चाहिए स्टेट असेंबली की, 3% स्टेट असेंबली के अंदर सीट होनी चाहिए, 3 सीटें होनी चाहिए एज विच एवर इज मोर, ये दोनों में, ठीक है, जो दोनों में कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो, या 6% वैलिड वोट मिल जाए, सही वोटें मिल जाए प्लस 1 सीट लोकसभा में, तो ये क्या बन जाती है आपकी स्टेट पार्टी। जैसे ही मैंने विकीपीडिया से नोट करा था 2011 में किसे 8% ये जो थी ना तृणमूल कांग्रेस, ये रह गया लिखना पर तृणमूल कांग्रेस, हाँ जी, और ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, ये नेशनल पार्टी बन गई थी, इसने 8% वाला कोटा फिलफिल कर लिया, तो जो नवी कंडीशन आई थी 2011 में वैलिड वोट्स की, ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो, ये मैंने रीसेंट नोट करा था, बुक में नहीं था, पर अगर आप न्यू एडिशन की बुक लोगे हो भी सकता है। उसके बाद देखो क्या है, वेज टू रिफॉर्म इंडियन पार्टी सिस्टम। अगर आपके पास टाइम है, नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम खत्म हो गया, कंक्लूड कर देना आप, मार्क्स मिल जाएगा, अगर बाय चांस आपके पास टाइम है 1-2 मिनट, रिफॉर्म लिख दो, कैसे रिफॉर्म कर सकते हो, एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आने से कि पार्टी तोड़ के कोई ना भागे, 52nd जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये लिख दो, थोड़ा सा 1-2 नंबर मिल जाएंगे आपको यहाँ से एक्स्ट्रा, दूसरों को 18 में से अगर 15 या 14 नंबर मिल रहे होंगे ना, आपको 17 ना दे टीचर ने मेरा नाम बदल देना,
ये चीजें आपने लिखनी है पेपर के अंदर, जो बुक से एक्स्ट्रा लिख के आएगा, एडवांस लिख के आएगा, उसको मिले। ये नहीं आप एक ही क्वेश्चन को ही अटैम्प्ट करे जा रहे हो 1.5 घंटे से, दूसरे क्वेश्चन छोड़ दिए, नहीं, वो 35-40 मिनट में अपनी ऐसी स्पीड बनाओ हो जाता है। जैसे 40 मिनट लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, हो जाता है। क्योंकि जब आपके माइंड के अंदर शॉर्ट पॉइंटर्स होंगे, उसी टाइम पहले क्वेश्चन पेपर में लिख के देख रहे हो, फिर फेयर करोगे, ठीक है, या फिर पूछ रहे हो, फिर फेयर करोगे, फिर तो आपको 35 मिनट के 1.5 घंटा होने में पता नहीं चलेगा। या उसी टाइम अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हो कि अच्छा ये भी ऐड कर देते हैं, नहीं, ये आपके पॉइंटर्स पहले से होने चाहिए, जल्दी कर लोगे आप एग्ज़ाम उसके। ये जो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है इसके अंदर, मुझे पता है इतना टाइम नहीं मिलता एग्ज़ाम में, कंप्लीट हो जाए पेपर वही बहुत है, आपको 35-40 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। पर आप ये जो ब्लैक पेन वाली हेडिंग है ना, अगर आप यही आप 1-4 लाइनों में लिख दोगे ना हेडिंग बना के, टीचर को पता लग जाएगा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करे गए हैं। प्रॉपर्टी वगैरह का भी डिटेल मांगा जाए, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाए पॉलिटिशियन का, फ्यूचर के लिए क्या सजेशन है, स्टेट की फंडिंग और इलेक्शन के लिए, पीपल की पार्टिसिपेशन, वही सब कुछ है। यहाँ लास्ट में आप कंक्लूड कर दोगे इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है, स्टेट है, रीजन, जो आपने ऊपर लिखा है वो आप थोड़ा सा 4-5 लाइनों में बता के कंक्लूड कर दोगे। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, ये आपका क्वेश्चन हमेशा ज़रूर आता है, आपने इसी तरीके से लिखना है, मैंने आपको सारा क्रिप्स करके बताया है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी आपने हर क्वेश्चन को इसी तरीके से अटैम्प्ट करना, ये मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन था जिसके मैंने नोट्स बना के रख रखे थे अपने कॉलेज टाइम, मैं आपको ये शो कर रही हूँ कि आपने इसी तरीके से करना है। बाकी आप, मैं और चैप्टर्स भी कराऊंगी बुक से, पर ये आपको आएगा ही आएगा, वो बड़े आसान चैप्टर है, इलेक्शन कमीशन क्या है, मैनिफेस्टो क्या है, उसमें कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ जस्ट रीड आउट एंड राइट। जो चीज़ थी आपकी इम्पॉर्टेंट समझने वाली, समझाने वाली एग्जामिनर को, वो ये क्वेश्चन था जो आता ही आता है हमेशा, ठीक है। होपफुल आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, मुझे मोटिवेशन मिलती है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।